भाई जान, ये इधर जो है ना ग्लोबल विलेज की कैंटीन है और ये टिकट हाउस है और उसके अलावा ये एटीएम मशीन इधर जो है ना एटीएम मारने के लिए, किसी के पास पैसे ना हो तो भाई वो एटीएम के लिए यहाँ। अच्छा, और उसके अलावा ये छोटी मोटी इन्होंने आबशार बनाई हुई है भाई, फाउंटेन, वाटर फाउंटेन, वाटर फॉलिंग, ऐसे कलर चेंज हो रहे हैं के। बड़ा वीआईपी सिस्टम बनाया हुआ, ऊपर देखे चांद है, ये चीज। बाकी जो है ना, बाकी वीडियोस नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाऊंगा, ऐसे फर्दर जैसे ही इंफॉर्मेशन आती रहेगी तो मैं आपको शेयर करता रहूँगा आपके साथ, किसी भी किस्म की जो जो बातें होंगी और जो जो इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशंस होंगी वो भी आपको बताते जाएंगे। अच्छा, भाई ये जो है ना पार्किंग ट्रेन टर्म्स एंड कंडीशंस, ग्लोबल विलेज पार्किंग ट्रेन फॉर शटल सर्विस, ये इसकी सारी इंफॉर्मेशन सर ये दी गई है, जो क्या क्या पॉलिसी अपनानी है उस लिहाज से आप इसके अंदर जा सकते हैं। ये अप्लाई करना पड़ेगा आपको, मस्ट है भाई। और इसके अलावा और आप कुछ दिखाते हैं, कुछ ये भी हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, ऑल गेट्स एंटरिंग एंड यूजिंग ग्लोबल विलेज आर सब्जेक्ट टू दीज रूल्स एंड रेगुलेशन, ये इसके रूल्स रेगुलेशन। हाँ, तो ये जो है ना रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके अलावा ये भी सही है, ये भी सही है, ये इसकी मेन एंट्रेंस है, यहाँ से पहले जो है ना टिकट लेनी पड़ेगी, टिकट लेने के बाद जो है ना यहाँ से पहले टिकट लेनी पड़ेगी, टिकट ले के भाई यहाँ पे एंट्रेंस है, यहाँ से एंट्रेंस है, ये मेन गेट है, इधर से एंटर होके टिकट चेक करानी पड़ेगी तो ये ओपन होगा। ये मैं मज़ीद नेक्स्ट थर्ड पार्ट में आपको दिखाऊँगा किस तरीके से जो है ना आप अंदर जा सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं अंदर जाके। एक और जो है ना वीआईपी माहौल हो जाता है अंदर जाके, बिल्कुल माहौल चेंज हो जाता है, बाहर इधर जो दिखाई दे रहा है वैसा कुछ नहीं है, और जो है ना अंदर जाके बंदा हैरान ही रह जाता है, इस किस्म का माहौल है अंदर इन्होंने बनाया हुआ, बड़ा ही एक लाजवाब किस्म का।